नमस्कार। अमल गमेशन ऑफ कंपनीज, कंपनियों का एकीकरण के अंतर्गत आज अपने एक बच्चों सवाल देखते हैं। 31 मार्च 2016 को ए लिमिटेड और बी लिमिटेड की बैलेंस शीट दी हुई है। उपयुक्त चिट्ठी की तिथि को बी लिमिटेड ए लिमिटेड का निम्नलिखित शर्तों पर अवशोषण करने को सहमत हुई। बी लिमिटेड जो है वो ए लिमिटेड को खरीद रही है। परचेज कंसीडरेशन कैसे निकालना है? बी लिमिटेड ए लिमिटेड के प्रत्येक इक्विटी अंश के बदले 10 रुपये वाला एक पूर्ण प्रदत्त इक्विटी अंश 10% प्रीमियम पर निर्गमित करेगी। और आगे देख रहे हैं कि ए लिमिटेड के श्रमिकों की क्षतिपूर्ति के संबंध में चिट्ठी की तिथि को कोई बकाया अथवा संदिग्ध दायित्व नहीं है। ए लिमिटेड की समस्त संपत्तियां वे लेनदार बी लिमिटेड है वो पुस्तक मूल्य पर लेगी। और अपने को खाते बनाने हैं तो अपने हेडिंग डालेंगे इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। ए लिमिटेड कौन है? वेंडर कंपनी। और बी लिमिटेड है आपकी परचेजिंग कंपनी। तो ए लिमिटेड की खातों पुस्तकों में अपने खाते बना रहे हैं। पहला अकाउंट बनेगा आपके रियलाइजेशन अकाउंट। ए लिमिटेड क्या करेगी? संपत्तियों और दायित्वों को जिनको क्रेता कंपनी ने खरीदा है उनको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी। तो टू सन्ड्री फिक्स एसेट 2,40,000, टू लोन टू बी लिमिटेड, यानी इसने बी लिमिटेड को लोन दे रखा है तो टू लोन टू बी लिमिटेड 20,000, टू डेटर 50,000, टू बिल रिसीवेबल 10,000 और टू स्टॉक 40,000, टू स्टॉक 40,000। और बाई साइड में बाई क्रेडिटर 60,000 और बाई बी लिमिटेड परचेज कंसीडरेशन। परचेज कंसीडरेशन की एंट्री क्या होती है? परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और परचेज कंसीडरेशन कैसे निकालना है? ये कह रहा है कि ए लिमिटेड के प्रत्येक इक्विटी अंश के बदले में बी लिमिटेड एक शेयर दे रही। तो ए लिमिटेड के शेयर हैं आपके 20,000, तो ए के बदले में एक देगी तो 20,000 10 रुपये वाला शेयर है, लेकिन वो शेयर 10% प्रीमियम पर दे रही है, यानी 11 रुपये में दे रही। तो 20,000 शेयर देगी, एक शेयर आपके 11 रुपये का है तो 20,000 इंटू 11 2,20,000। तो बाई बी लिमिटेड परचेज कंसीडरेशन 2,20,000 और बाई इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट लॉस बैलेंसिंग फिगर। अब इस खाते का अपने बैलेंस निकालेंगे तो लॉस आ रहा है 80,000 रुपये का, और ये लॉस किसका होगा? इक्विटी शेयर होल्डर का। तो बाई इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट लॉस 80,000 और रियलाइजेशन अकाउंट को बंद कर देंगे, टोटल इसकी होगी 3,60,000 रुपये। अगला खाता बनाएंगे अपने इक्विटी शेयर होल्डर का। तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर में क्या कि जो इंटरनल लाइबिलिटीज है वो इक्विटी शेयर होल्डर के खाते में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो बाई इक्विटी शेयर कैपिटल 2,00,000, बाई रिजर्व फंड 80,000 और बाई वर्कमैन कंपेंसेशन फंड 20,000। यहाँ मैं बताता हूँ कि वर्कमैन कंपेंसेशन फंड कर्मचारियों के क्षतिपूर्ति के लिए संचय बनाया जाता है। अगर इसमें से कोई क्षतिपूर्ति करनी हो तो वो तो होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, और क्षतिपूर्ति नहीं करनी तो वो होती है इंटरनल लाइबिलिटीज। और इस सवाल में लिखा है कि श्रमिकों की क्षतिपूर्ति के संबंध में कोई दायित्व नहीं है, तो ये इंटरनल है। इंटरनल है तो ये इक्विटी शेयर होल्डर में जाएगी। तो बाई वर्कमैन कंपेंसेशन फंड हो गया आपके 20,000। टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस जो अभी आया था 80,000 रुपये, और टू परचेज कंसीडरेशन का जब अपने भुगतान करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर इन बी लिमिटेड। तो टू
इक्विटी शेयर इन बी लिमिटेड अकाउंट 220,000 रुपये। तो ये हो गया आपके इक्विटी शेयर होल्डर का खाता। आगे बनाते हैं बी लिमिटेड का खाता, बी लिमिटेड अकाउंट। बी लिमिटेड कौन है? परचेजिंग कंपनी। तो परचेज कंसिडरेशन ड्यू हुआ तो एंट्री क्या हुई? बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट 220,000 रुपये। और जब परचेज कंसिडरेशन मिलेगा तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर इन बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बी लिमिटेड। तो बी लिमिटेड में लिखेंगे बाई इक्विटी शेयर इन बी लिमिटेड 220,000 रुपये। अगला खाता बनाते हैं इक्विटी शेयर इन बी लिमिटेड अकाउंट। जब परचेज कंसिडरेशन में इक्विटी शेयर मिले तो एंट्री क्या हुई? इक्विटी शेयर इन बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बी लिमिटेड, टू बी लिमिटेड 220,000 रुपये। और ये इक्विटी शेयर हम किसको देंगे? इक्विटी शेयर होल्डर को। तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर इन बी लिमिटेड। तो इक्विटी शेयर इन बी लिमिटेड में लिखेंगे बाई इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट 220,000 रुपये। तो ये हुआ आपके इक्विटी शेयर इन बी लिमिटेड का खाता। तो ये तो बच्चों वे आपके वेंडर कंपनी की पुस्तकों में खाते। आगे वो पूछ रहे हैं कि क्रेता कंपनी की पुस्तकों में अपने को जर्नल एंट्रीज करनी है और उसकी बैलेंस शीटें बनानी है। तो अपने एडिंग डालते हैं जर्नल ऑफ बी लिमिटेड। बी लिमिटेड पहले एंट्री क्या करती है? एसेट और लाइबिलिटीज को खरीदने की। जो जो एसेट जिस जिस मूल्य पर खरीदी उसको हम डेबिट कर देंगे और जो जो लाइबिलिटीज जिस जिस मूल्य पर खरीदी है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो सन्ड्री फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट 240,000, लोन टू बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 20,000, डेटर अकाउंट डेबिट 50,000, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 10,000 और स्टॉक अकाउंट डेबिट 40,000। ये तो थी एसेट। और अब देखते हैं लाइबिलिटीज। टू क्रेडिटर अकाउंट 60,000, टू लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड, इसमें क्या आता है? परचेज कंसिडरेशन 220,000 रुपये। और अब अगर इसका अंतर निकालें तो क्रेडिट में अंतर आ रहे हैं और क्रेडिट में यदि अंतर आता है तो वो होता है आपके कैपिटल रिजर्व। तो टू कैपिटल रिजर्व 80,000 रुपये। तो ये पहली एंट्री हुई एसेट और लाइबिलिटीज को खरीदने की। अब हम ए लिमिटेड को पेमेंट करेंगे। तो लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड अकाउंट डेबिट 220,000 रुपये और इसको पेमेंट में क्या दे रहे हैं? इक्विटी शेयर। तो वो हो जाएगा आपके क्रेडिट। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, देखो 20,000 शेयर दे रहे हैं, एक शेयर है 10 रुपये का लेकिन शेयर दे रहे हैं 11 रुपये में, यानी प्रीमियम पर। तो 10 रुपये तो जाएगा कैपिटल के अंदर और 1 रुपये जाएगा प्रीमियम के अंदर। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 इंटू 10 2,00,000 और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000 इंटू 1 20,000 रुपये। ये हुआ ए लिमिटेड को भुगतान। अब आगे जो इंटरनल जो ट्रांजेक्शन है अंतः कंपनी विहार उसको हम कैंसिल कर देंगे। देखो ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को लोन दे रखा है। तो ए लिमिटेड के तो है आपके, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को लोन दे रखा है। तो ए लिमिटेड का तो होगा एसेट में और बी लिमिटेड के होगा लाइबिलिटीज के अंदर। तो इसको हम कैंसिल करेंगे। यहाँ पर मैंने बताया था एंट्री होती है लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू एसेट, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू एसेट, यानी जो लाइबिलिटीज है उसको तो कर देंगे डेबिट और जो एसेट है उसको हम कर देंगे क्रेडिट। तो लोन फ्रॉम ए लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू लोन टू बी लिमिटेड अकाउंट 20,000 रुपये से ये एंट्री हो जाएगी। आगे इंटर कंपनी
आपकी जो ट्रांजैक्शन है अंतः कंपनी व्यवहार, उसमें डेटर और क्रेडिटर भी है, यानी एक के डेटर हैं और दूसरे के क्रेडिटर हैं। तो दोनों को कैंसिल करेंगे तो कैंसिल की वही एंट्री होती है, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू एसेट। तो क्रेडिटर और क्रेडिटर किसके हैं, ए लिमिटेड के, तो ब्रैकेट में लिखा ऑफ ए लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू डेटर, डेटर किसके हैं, बी लिमिटेड, ऑफ बी लिमिटेड अकाउंट 10,000 रुपये से ये एंट्री हो जाएगी। और आगे हैं आपके बीपी और बीआर, ये भी 4,000 के म्यूचुअल हैं, तो इनको भी हम कैंसिल करेंगे, तो कैंसिल की एंट्री वही होगी लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू एसेट। तो एंट्री हो जाएगी बीपी, बीपी किसके लिए है, बी लिमिटेड के लिए, तो बीपी ब्रैकेट में ऑफ बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बीआर, बीआर किसके हैं, ए लिमिटेड के, ऑफ ए लिमिटेड अकाउंट 4,000 रुपये से। तो ये तीन म्यूचुअल थे आपके डेब्ट्स, म्यूचुअल डेब्ट्स थे, इनको हमने कैंसिल कर दिया। और म्यूचुअल डेब्ट्स जो होते हैं परस्पर ऋण, उनकी एंट्री होती है लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू एसेट। तो ये हुई क्रेता कंपनी की पुस्तकों में जर्नल एंट्रीज। अब अपने को बनानी है बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड, क्रेता कंपनी की बैलेंस शीट। क्रेता कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनेगी, देखो क्वेश्चन में क्रेता कंपनी की बैलेंस शीट दी हुई है, उस बैलेंस शीट में अभी जो हमने क्रेता कंपनी की पुस्तकों में जर्नल एंट्रीज की है उसको हम मिला देंगे तो वो हो जाएगी आपकी परचेजिंग कंपनी की बैलेंस शीट। तो पहले लिखते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल पहले देखो बैलेंस शीट में दे रही है 4,00,000 रुपये की, और यहाँ पर 2,00,000 रुपये के शेयर और जारी किए थे परचेज कंसिडरेशन का भुगतान करने के लिए, तो इक्विटी शेयर कैपिटल हो गई 6,00,000। सिक्योरिटी प्रीमियम ये आया था अपना 20,000 रुपये, 20,000। रिजर्व फंड दे रखा है 1,20,000 रुपये, तो 1,20,000। कैपिटल रिजर्व हमारा आया था 80,000 रुपये। क्रेडिटर देखो क्रेडिटर दे रखे हैं 72,000 के, कितने के, 72,000 के, और 60,000 के क्रेडिटर लिए थे तो कितने हुए, 1,32,000। और जिसमें से 10,000 के क्रेडिटर कैंसिल किए थे हमने, तो 1,32,000 में से 10 अगर घटाएं तो वो होता है आपके 1,22,000 रुपये। और फिर है बीपी, देखो बीपी दे रखी है 8,000 की, और बीपी हमने 4,000 की कैंसिल की थी, तो 8,000 में से 4 गए तो बिल पेबल हो गया आपके 4,000 रुपये। अब आते हैं एसेट में, सन्ड्री फिक्स एसेट, सन्ड्री फिक्स एसेट दे रखी है बी लिमिटेड की 5,00,000, और खरीदी कितनी थी, ए वाली 2,40,000, तो दोनों को जोड़ेंगे 7,40,000 रुपये। फिर आते हैं आपके डेटर, डेटर दे रखे हैं 40,000 के, और डेटर खरीदे थे 50,000 के, तो टोटल हुए 90,000, और 10,000 के जो म्यूचुअल थे वो हमने कैंसिल कर दिए तो 90 में से 10 घटाएंगे तो 80,000, तो डेटर हुआ 80,000। बिल रिसीवेबल देखो नहीं है बी लिमिटेड के, बी लिमिटेड की जो पहले की बैलेंस शीट है उसमें बिल रिसीवेबल नहीं है, लेकिन उसने बिल रिसीवेबल खरीदे थे 10,000 के, और जिसमें से 4,000 के कैंसिल हो गए थे तो बिल रिसीवेबल हो जाएगा आपका 6,000 रुपये। स्टॉक फिर आता है स्टॉक, स्टॉक दे रखा है 60,000 रुपये का, 60,000, और ख़रीदा था स्टॉक 40,000 का, तो स्टॉक टोटल हो गया आपके 1,00,000। और लास्ट है कैश एट बैंक, कैश एट बैंक दे रखा है 20,000 रुपये, और इसके अलावा नया तो कैश एट बैंक खरीदा था और नया कोई पेमेंट किया था तो कैश एट बैंक हो गया 20,000 रुपये। तो अब हम इसकी टोटल कर देंगे तो टोटल हो रही है बैलेंस शीट की 9,46,000 रुपये, 9,46,000 रुपये। तो ये अमलगमेशन ऑफ कंपनीज का एक सवाल था जो आपने देखा।
वेंडर कंपनी की पुस्तकों में खाते बनाने थे। जर्नल एंट्रीज अगर आती है तो खाते बनाना कोई मुश्किल नहीं है, और उसके अलावा परचेजिंग कंपनी की पुस्तकों में जर्नल एंट्रीज करनी थी, और उसके बाद में परचेजिंग कंपनी की बैलेंस शीट बनानी थी। परचेजिंग कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनती है? परचेजिंग कंपनी की शुरू की बैलेंस शीट दी हुई है, उस बैलेंस शीट में जो अभी अपने परचेजिंग कंपनी की बुक्स में जर्नल एंट्रीज की है उन एंट्रियों को मिला देंगे तो वो परचेजिंग कंपनी की बैलेंस शीट बन जाएगी। धन्यवाद।